हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और वेडिंग सीजन चल रहा है और आपका आने वाला है क्रिसमस, न्यू ईयर और उसके बाद वैलेंटाइन डे। आई होप आपकी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी होंगी। लाइक आप क्या आउटफिट पहनोगे, क्या मेकअप करोगे और क्या, मतलब आपका एवरीथिंग आप बिल्कुल फाइनल कर चुके होंगे कि हमको कैसे तैयार होना है। बट एक चीज आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है इस सीजन, वो है आपकी स्मूथ सिल्की स्किन। और सिल्की स्मूथ स्किन हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए आज मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है सेनफे का ये फेस रेजर है। ये देखिए आप कितनी प्यारी छोटी सी इसकी पैकेजिंग है। यह है सेनफे आईब्रो टच अप फेस रेजर। अनकवर योर मोस्ट रेडियंट सेल्फ 5-in-1 आईब्रो अपर लिप्स पीक एंड बिकनी लाइंस और इंस्टा स्मूथ स्किन एंटी स्लिप ग्लाइड। और इसके अंदर हमको मिलता है 3 यूनिट और इसके पीछे मेंशन है इसका से बाय बाय टू एवरी डे बैटल विद योर थिक्स डार्क फेशियल हेयर, रिमूव इट विद सेनफे आईब्रो टच अप फेस रेजर द क्विकेस्ट क्लीनेस्ट वे टू। और इसके पीछे ना डायरेक्शन फॉर यूज भी लिखे हैं, लाइक फर्स्ट आपको क्लीन एंड वॉश योर फेस, सेकेंड रिमूव योर सेफ्टी कैप, थर्ड ग्लाइड द रेजर सॉफ्टली, डू नॉट प्रेस टू हार्ड आफ्टर सेविंग वाइप एंड फेस एंड वेट टॉवल्स। प्राइस 149 रुपीज। ये देखिए 149 इसकी MRP है और 7 साल की इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो इस पे मेंशन है। इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। और अब हम अंदर से इनके अपने रेजर देख लेते हैं। ये देखिए, सॉरी, हमें इसके अंदर इस तरीके से 3 फेस रेजर मिलते हैं आईब्रो के लिए और अपने फेस के जो अनवांटेड और फेशियल हेयर्स हम जिसको बोलते हैं उसके लिए ये 3। और बहुत ही छोटू छोटू से हैं ये देखिए। और सेफ्टी के लिए इनके ऊपर कैप भी दी गई है और बॉटम पे ये सेनफे यहाँ पर लिखा है। और इसका जो ये हैंडल है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से इसकी आप कैप हटाओगे, इट्स वेरी हाइजेनिक। यूज़ करने के बाद आप इस तरीके से इसको कैप लगाकर और रख सकते हैं और जब आपको यूज़ करना हो वापस आप इस तरीके से इसके कैप हटाइए। और आप इसके ब्लेड देखिए, ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है कि ये कट जाएगा या आपको कोई हार्म पहुंचाएगा, नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं टेक्निक के साथ इन्होंने ये इस तरीके से इसके ब्लेड बनाए हैं जो हम अपने फेस पे यूज़ करें तो हमको कोई भी इससे कट या कुछ भी नहीं लगे। और मैं इसको आपको अभी यूज़ भी करके दिखाऊंगी कि ये हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट हमें सबसे पहले अपने फेस पर कोई भी जेल अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे एलिप्स गुडनेट का सैंडल वुड जेल यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। और इसके बाद देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको नीचे के डायरेक्शन में अपने फेस पर ग्लाइड करना है। और इसके बाद मैं अपना फेस बहुत ही स्मूथली आपके सारे हेयर्स निकल जाएंगे। देखिए, और ये मैंने अपनी आईब्रो में भी मेरे बहुत बाल हो रहे थे वो भी मैंने इसी के थ्रू सेट किया है। ये बिल्कुल आपको हल्के हल्के हाथों से स्ट्रोक देने हैं नीचे की साइड। और ये देखिए फेस जेल लगाने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब आप इसको रेज़र को यूज़ करते हैं तो वो ना बहुत स्मूथली ही ग्लाइड हो जाता है। और यहाँ मैंने अपने अपर लिप्स के भी सारे हेयर्स को रिमूव कर दिया है। इस तरीके से मेरे जितने भी चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स थे वो मैंने सब निकाल दिए हैं।
देखिए चेहरा कितना क्लीन और क्लियर, अभी से ही इतना क्लियर नजर आ रहा है। सो गाइज, आपने इसकी एप्लीकेशन भी देख ली है और इसको अप्लाई करना और इसे अपने फेस के फेशियल हेयर्स रिमूव करना कितना ही आसान है आपने देखा है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये ही रेज़र यूज़ करें, और भी मार्केट में अच्छी वैरायटी और अच्छे प्राइस पर और भी बहुत सारे फेस रेज़र अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप कि मेरा आज का मेकअप कितना फ्लॉलेस नज़र आ रहा है। मेरा बेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस है बिकॉज़ मेरे फेस पर कोई भी फेशियल हेयर नहीं है, जिसकी वजह से मैंने जो भी प्रोडक्ट लगाया है वो मेरी स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हुआ है। वरना तो क्या होता है कि अगर हमारे बाल होते हैं स्किन पर, तो हम जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं वो उसी पर ही रह जाता है, इतना हमारा स्किन में डीपली नहीं जा पाता है। और जब भी हम कोई ऐसे अपने हेयर्स कहीं से भी रिमूव करते हैं, लाइक हम अपने आईब्रो बनवाते हैं या अपर लिप्स करवाते हैं या वैक्सिंग करवाते हैं, तो हमारी स्किन तो वहाँ से वैसे ही बहुत ही ज़्यादा चकाचक साफ़ सुथरी हो जाती है, जो ऐसे ऐसे हाथ लगाने पे बहुत ही सॉफ्ट सी महसूस होती है। ऐसे ही मेरे को अभी अपने गालों पर महसूस हो रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने से कोई हार्ड्स बाल नहीं आते हैं वापस, वो ही ग्रोथ रहती है और वैसे ही हेयर्स आते हैं जैसे आपके पहले आते थे। अगर आप टीन एजर्स हैं तो आप प्लीज़ इसको भी यूज़ ना करें, 30+ होने के बाद ही आप इसको यूज़ करें तो बेटर होगा आपकी स्किन के लिए, बिकॉज आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी और 30+ के बाद तो स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहती है मेरे अकॉर्डिंग। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।